नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय मिचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी घेवर। यह घेवर इंस्टेंट है और झटपट बन जाता है। जब कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना लें। तो चलिए शुरू करें। अब कढ़ाई में 1 लीटर दूध मलाई के साथ ले लें। जब इसमें उबाल आने लगे तब इसमें 1 कटोरी दूध पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे गाढ़े होने तक पकाते रहेंगे। जब यह गाढ़ी होने लगे तब इसमें 1 कटोरी शक्कर मिक्स कर लेंगे। जब यह गाढ़ी होने लगे तब इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पानी में घोलकर डाल लेते हैं और इसे चलाते रहते हैं ताकि ये तली में ना बैठे। अब इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे। और इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। देखिए अब यह अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब यह हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में 2 कटोरी शक्कर और थोड़ा सा पानी डालकर चाशनी की तरह तैयार कर लेंगे। अब ब्रेड को ग्लास या कटोरी की सहायता से राउंड में कट कर लेंगे और एक छोटी ढक्कन से बीच में भी कट कर लेंगे। तेल गर्म करके गर्म तेल में घेवर को तल लेंगे। जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे निकाल कर झट से चाशनी में डाल लेंगे। जब यह चाशनी में अच्छी तरह से डूब जाए तब इसे निकाल कर सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए इसे प्लेट में निकाल कर इसके ऊपर रबड़ी लगा लेते हैं। रबड़ी लगाने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। मैंने इसे बादाम पिस्ता काजू से सजाया है। अब हमारा घेवर तैयार है सर्व करने के लिए। आप इस स्वादिष्ट रेसिपी को घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें। धन्यवाद। ऐसे ही रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।